मैं तो याद करता हूँ उन अय्याम को, तो सिर्फ अफसोस करता हूँ किसकी नजर लग गई अहलुसुन्नत वल जमात को। लेकिन बिहम्दी ताला नासिक का माहौल कल भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ के सारे जिम्मेदारों को इसकी मुबारकबाद दूंगा, उलमा से भी कहूंगा कि हम सुन्नी हैं, हमारी सबसे बड़ी शनाख्त यही है कि हम सुन्नी हैं। ये जो हमारे मशरब है ना, मशरब जितने हैं, हम कादरी हैं, हम रिजवी हैं, हम बरकाती हैं, हम नूरी हैं, हम नक्शबंदी हैं, हम सुहरवर्दी हैं, हम साबरी हैं, हम चिश्ती हैं, हम निजामी हैं, हम ओलाई हैं, हम अशरफी हैं, हम शहबाजी हैं, हम हशमती हैं, हम जो कुछ भी हैं, लेकिन पहले हम सुन्नी हैं। ये तो मोहब्बत पैदा कर देने की चीज है, ये इख्तलाफ की चीज नहीं है। खुदा जाने किसकी नजर लग गई प्यारे, ये इख्तलाफ की चीज नहीं है। अरे दो अजनबी मिले, किसी ने कह दिया कि हम कादरी हैं, हम समझ गए सुन्नी। किसी ने कह दिया हम रिजवी हैं, हम समझ गए सुन्नी है। किसी ने कह दिया हम अशरफी हैं, हम समझ गए सुन्नी है। किसी ने कह दिया हम बरकाती हैं, हम समझ गए सुन्नी है। किसी ने कह दिया हम हशमती हैं, हम समझ गए सुन्नी है। किसी ने कह दिया हम साबरी हैं, हम समझ गए सुन्नी है। किसी ने कह दिया हम निजामी हैं, हम समझ गए सुन्नी है। ये इख्तलाफ की नहीं, ये तो हमारी सुन्नियत की सनद है, मोहर है। अगर साबरी है, चिश्ती है, निजामी है, उलाई है, बरकाती है, नूरी है, अशफी है, रिजवी है, तो सिर्फ सुन्नी ही होगा और कुछ नहीं होगा। ये तो हमारे एतमाद के लिए एक अलम है, एक निशान है, एक भरोसा है। ये मशरब ये सलाब की चीज नहीं है प्यारे। और वैसे भी वो बाप अकलमंद नहीं होता जो अपने बेटे को चचा के लिए गुस्ताखी का दर्श दे। वो बाप अकलमंद नहीं होता कि अपने बेटे को सिखाए कि चचा की गुस्ताखी करे, वो अकलमंद बाप नहीं होता। याद रखो, जिस भी शहर से आप बैठ हो उससे मोहब्बत रखने का हक ज्यादा है आपको, उससे ज्यादा मोहब्बत करो, ये हक है तुम्हारा। लेकिन मोहब्बत इस बात की इजाजत नहीं देती कि किसी की तौहीन करो, किसी की तौहीन करो। ये सारे मशायख हमारे मशायख हैं, ये सारे उलमा हमारे उलमा हैं, ये सारे बुजुर्गाने दीन की चौखटें हमारी चौखटें हैं, ये सारे लोगों का फैलाने करम हमारे लिए है। तो प्यारे हम में इख्तलाफ क्यों, चाहे वाकाए नक्शबंद हो, चाहे मौलाए सुहरवर्द हो, चाहे आकाए कादरियत हो, चाहे आकाए चिश्तियत हो, चाहे आकाए रिजवियत हो, चाहे आकाए बरकातियत हो, चाहे आकाए अशरफियत हो, जो भी हो वो सब सुन्नियों के हैं, सुन्नियों के हैं। ये मिजाज आपको बना के रखना है और इसी मोहब्बत को लेकर सुन्नियत के काफिले को लेकर आगे बढ़ना है। खुदा की कसम, आज नदियत के नए नए कितने हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं, आप में जरा से भी कहीं से भी उनको चोर दरवाजा मिला सेल लगाई। और एक आदमी को बता दूं, एक घर का मकीन जो होता है ना, वो अपने घर के ताल्लुक से इतना कॉन्शियस नहीं होता कि पता नहीं कौन से दरवाजे में सिटकनी है कि नहीं, कुछ कमजोर हो गया है, थोड़ा दीवार टूट गई, इतना ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन आपके घर को चोर बहुत ध्यान से देखता है। जितने ध्यान से चोर आपके घर को देखता है उतने ध्यान से आप भी नहीं देखते। वो देखता है कि कौन सी दीवार कमजोर है, कहाँ से प्लास्टर झड़ रहा है, कहाँ से ईंट खसकी हुई है, कौन सा स्क्रू टूटा हुआ है, कहाँ से खुजा जा सकता है। तो पूरी सुन्नियत के ये जो हिंदुस्तान है, सुन्नियत का किला है, बुजुर्गों के फैजान की राजधानी है, इसमें नस्बियत भावियत गैर मुकल्लिदियत ये घुसना चाहती है, आपकी दीवारों में दरार देखना चाहती है, कहीं जगह पाना चाहती है, कुछ रास्ते से
कर हम अहले सुन्नत वल जमात के शिरादे को बिखेर दे। अब याद का होना चाहिए हम सुन्नी हैं, बुजुर्गों के मानने वाले हैं।